ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है 1998 से लेकर के 2015 तक फार्मेसी एग्जाम में। तो ब्लड इज अ कंपोज ऑफ 45% ऑफ ब्लड सेल एंड 55% ऑफ प्लाज्मा, यानी ब्लड में 45% ब्लड सेल्स होते हैं और 55% प्लाज्मा होते हैं। जैसा कि आप फ्लो चार्ट पे देख रहे हैं कि ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है ब्लड सेल और दूसरा है प्लाज्मा। ब्लड सेल का परसेंटेज 45 होता है और प्लाज्मा का परसेंटेज 55 होता है। ब्लड सेल आगे चल करके तीन और पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का एक और नाम है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को लीकोसाइट्स कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो ये इनके एक और नाम है जिनको आपको ध्यान में रखना है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम में ही पूछे गए हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी आगे चल करके दो और पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो है ग्रैनुल्यूकोसाइट और एग्रैनुल्यूकोसाइट, जिनमें 75% ग्रैनुल्यूकोसाइट का कॉम्पोजिशन होता है और एग्रैनुल्यूकोसाइट्स का 25%। फिर उसके बाद ग्रैनुल्यूकोसाइट भी आगे चल करके तीन भागों में बढ़ जाती है और एग्रैनुल्यूकोसाइट दो भागों में बढ़ जाती है। एग्रैनुल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स और बाइसोफिल्स और एसिनोफिल्स में बढ़ जाते हैं, जिनका परसेंटेज 70%, 1% और 4% है। और वहीं एग्रैनुल्यूकोसाइट्स दो पार्ट में बढ़ती है, जो है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज 20% है और मोनोसाइट का परसेंटेज 5% है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है और आप इस तरह से टेबुलेट फॉर्म में क्लासिफाई करके दिखाएंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं प्लाज्मा की, जो 55% ब्लड में पाया जाता है। इनमें वाटर जो होते हैं 91 से लेकर 92% होते हैं और इनमें सॉलिड जो होते हैं 8 से लेकर के 9% के बीच में होते हैं। सॉलिड्स की बात की जाए तो उनमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिनमें सोडियम और पोटेशियम, और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो उनमें प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन पाए जाते हैं। वहीं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, सेरेटिन, और तीसरा जो न्यूट्रिशन है इनमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन भी पाए जाते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, गिव द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड।